1942 ईस्वी में राज्य में एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में निम्नलिखित में किस गतिविधि में भाग लिया था? तो वो क्या क्या था? विद्यार्थी के जुलूस का नेतृत्व किया था, विद्यार्थी के जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो सितंबर 1942 ईस्वी में इस राज्य के एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने क्या किया था? रामकृष्ण ठाकुर ने नागपुर में विद्यार्थी गतिविधियों में विद्यार्थी के जुलूस का नेतृत्व किया था। किसने? रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने विद्यार्थी के जुलूस का नेतृत्व किया था। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? तो राज्य में खूबचंद बघेल की पत्नी भी क्या होती? 6 महीने के लिए जेल में थी। खूबचंद बघेल की पत्नी भी क्या थी? भारत छोड़ आंदोलन के दौरान खूबचंद बघेल की पत्नी भी 6 महीने के लिए जेल में थी। बस्तर की परंपरागत शिल्पकला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? तो जयदेव बघेल है। जयदेव बघेल जो बस्तर की कला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? जयदेव बघेल है। नर्मदा सोन साय क्या है? रायपुर क्षेत्र के कला प्रहरी है। तो नर्मदा सोन साय क्या है? रायपुर क्षेत्र के कला प्रहरी है। आनंद सिंह श्याम क्या है? तो आनंद सिंह श्याम राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति के निवास के चित्रकार है। तो आनंद सिंह श्याम क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति के निवास के चित्रकार है। राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति के निवास के चित्रकार है। गोविंद झारा जो है जनजाति शिल्प के लिए पर्याय माने जाते हैं। गोविंद झारा क्या? जनजाति शिल्प के लिए पर्याय माने जाते हैं। गोविंद झारा जो है जनजाति शिल्प के लिए पर्याय माने जाते हैं। उसके बाद मांडवी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से। मांडवी सिंह जो है कथक से संबंधित है। मांडवी सिंह किससे संबंधित है? मांडवी सिंह जो है कथक से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के कथक नृत्य के विकास में किसका योगदान है? तो छत्तीसगढ़ में कथक के विकास में जो है राजा चक्रधर का योगदान है। किसका? राजा चक्रधर का योगदान है। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस विधा में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया है? तो लोक कला लोक रंगमंच में। किसमें? लोक रंगमंच में दिया है। हबीब तनवीर का संबंध लोक रंगमंच की विधा से है। 1954 में इन्होंने हिंदुस्तान थिएटर दिल्ली की स्थापना की थी। हिंदुस्तान थिएटर दिल्ली की स्थापना 1954 में क्या की थी इन्होंने? हिंदुस्तान थिएटर दिल्ली की स्थापना की थी। 1959 में इन्होंने लोक कलाकारों की सहायता के लिए नया थिएटर की स्थापना की थी। तो 1954 में हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना दिल्ली हिंदुस्तान थिएटर की, और 1959 में लोक कला की सहायता के लिए नया थिएटर हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर की स्थापना की थी। प्राप्त सम्मान कौन सा था? संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी क्या है? नया थिएटर की स्थापना की थी। इन्हें प्राप्त सम्मान कौन कौन से? तो संगीत नाटक अकादमी 1969 ईस्वी में मिला था। संगीत नाटक अकादमी क्या 1969 ईस्वी में मिला था? पद्मश्री 1983 और पद्म विभूषण 2002। तो पद्मश्री 1983 और पद्म विभूषण क्या है? 2002। पद्म भूषण क्या है 2002। इनके प्रमुख नाटक क्या थे? चरणदास चोर, आगरा का बाजार, मिक्स कटिकम और माटी की गाड़ी। चरणदास चोर, आगरा का बाजार, मिक्स कटिकम और माटी की गाड़ी। चरणदास चोर, आगरा का बाजार, मिक्स कटिकम और माटी की गाड़ी है। निम्नलिखित में कौन सा नाटक संगठन हबीब तनवीर द्वारा स्थापित था? तो नया थिएटर जो था वो हबीब तनवीर द्वारा स्थापित था। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 1981 में इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विधायक को विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी? तो रामगोपाल तिवारी को क्या है? विधान पुरुष की उपाधि दी थी। रामगोपाल तिवारी को क्या है? विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा 1981 में इस राज्य के निम्नलिखित में से किस विधायक को विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी? तो रामगोपाल तिवारी को क्या है? विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी। किसे? रामगोपाल तिवारी को विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी। इस राज्य के निम्नलिखित नेता में कौन कभी स्पीकर या कभी विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल क्या है? कभी स्पीकर और कभी विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे, जबकि पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ये पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद घनश्याम सिंह गुप्ता भी थे और प्रेम प्रकाश पांडे भी थे। घनश्याम सिंह गुप्ता और प्रेम प्रकाश पांडे, इसे छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। सुंदरलाल शर्मा को किसानों से ली जाने वाली बेगारी प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी? तो श्वेता ठाकुर ने। तो श्वेता ठाकुर ने क्या कही थी? किसानों के से ली जाने वाली बेगारी प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले आवाज किसने उठाई थी? तो श्वेता ठाकुर ने उठाई थी। किसने? श्वेता ठाकुर ने बेगारी से पहले आवाज उठाई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह किस राजनीतिक दल से? तो बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस सितार वादक ने लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित संगीत कार्यक्रम में सितार वादन किया था? तो बुद्धदित्य मुखर्जी। किसने किया था? बुद्धदित्य मुखर्जी ने किया था, जो लंदन में आयोजित हाउस ऑफ कॉमन में आयोजित संगीत कार्यक्रम में सितार वादन किया था। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद सिपाही कौन है? तो शहीद सिपाही कौन है? हनुमान सिंह। तो शहीद सिपाही कौन है? हनुमान सिंह है। मैजगिल अक्षर पद पर हनुमान सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी माने जाते हैं तथा इन्हें छत्तीसगढ़ मंगल पांडे के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश सेना के रायपुर में स्थित 3री बटालियन मैगजीन लश्कर के पद पर नियुक्त हुए थे। इन्होंने अंग्रेजी सार्जेंट सिडवेल की हत्या की थी। छत्तीसगढ़ में वाल्मीकि के रूप में जाने जाते हैं। तो गोपाल मिश्र छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में कौन जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में गोपाल मिश्र जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्न कौन से 9 बार सांसद रह चुके? तो विष्णु शुक्ल 9 बार सांसद रह चुके हैं। नए थिएटर के संस्थापक इस राज्य में निम्नलिखित में कौन से कलाकार है? तो हबीब तनवीर जो है नए थिएटर के क्या है? हबीब तनवीर जो है नए थिएटर के कलाकार है। कौन है? हबीब तनवीर नए थिएटर के कलाकार हैं।
अब छत्तीसगढ़ सहकारिता आंदोलन के मंत्रदाता वामन राव लाखे किस सन में रायपुर में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी, तो रायपुर में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना 1913 में की थी। किसने? वामन राव लाखे ने। रायपुर में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना वामन राव लाखे ने 1913 में की थी। कब की थी? 1913 में वामन राव लाखे ने रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना 1913 में की थी। लोकप्रिय के नाम से प्रसिद्ध वामन राव लाखे असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में रायसाहेब की उपाधि त्याग दी थी। तो वामन राव लाखे ने क्या की थी? रायसाहेब की उपाधि त्याग दी थी और लोकप्रिय की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। जनता ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया था। 1913 में कोऑपरेटिव बैंक एवं बलौदा बाजार में किसान कोऑपरेटिव बैंक राइस मिल की स्थापना की थी, जो कि किसानों के शोषण की मुक्ति का कदम था। तो इसने क्या की थी? 1913 में रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की थी तथा बलौदा बाजार में क्या की थी? किसान कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की थी तथा बलौदा बाजार में किसान कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना। तो रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक और बलौदा बाजार में किसान कोऑपरेटिव बैंक राइस मिल की स्थापना की थी। 1916 में होम रूल लीग के संस्थापक सदस्यों में से थे एक थे संस्थापक सदस्यों में थे वामन राव लाखे ने किसान को शोषण की मुक्ति करने के लिए किसकी स्थापना की थी? तो किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना की थी। किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम मनोनीत तथा इंग्लैंडियन सदस्य कौन थे? एग्रेट मैकलाउड थे। कौन थे? एग्रेट मैकलाउड थे। भारत के किस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने रायपुर में शिक्षा पाई है? तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो भारत के किस उपराष्ट्रपति ने रायपुर में शिक्षा पाई है? तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला ने क्या की है? उपराष्ट्रपति ने पाया है। गुरु घासीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1756 ईस्वी में गुरु घासीदास का जन्म हुआ था। 1756 ईस्वी में कब? 1756। प्रसिद्ध तबला वादक जो राजा चक्रधर के दरबार में रहते थे, उस्ताद नत्थे खां साहब। उस्ताद नत्थे खां साहब क्या थे? राजा चक्रधर के दरबार में रहते थे। उस्ताद नत्थे खां साहब क्या थे? तबला वादक थे। उस्ताद नत्थे खां साहब तबला वादक थे जो राजा चक्रधर के दरबार में रहते थे। जो क्या है? राजा चक्रधर के दरबार में रहते थे। राजा रामनजी प्रताप सिंह देव ने उसके दरबार में रहते थे। क्या है? उसके दरबार में रहते थे। अब देखते हैं कि निम्नलिखित में महान व्यक्तियों में किसकी छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं था? तो रविशंकर शुक्ल का था, माधवराव सप्रे का था, हबीब तनवीर का था, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा का नहीं था। छत्तीसगढ़ राजनीति में एक समय में या दूसरे समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था? तो विद्याचरण शुक्ल ने क्या किया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल का, अच्छा कौन कौन किया था? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व कौन किया था? सबसे विद्याचरण शुक्ल ने किया था, अरविंद नेताम ने किया था, रमेश बैस, विष्णुदेव साय। तो कौन कौन ने किया था? रमन सिंह, दिलीप सिंह जुदेव और पुरुषोत्तम लाल कौशिक। तो विद्याचरण शुक्ल पहले कौन थे? विद्याचरण शुक्ल थे। दूसरा अरविंद नेताम थे, पहला विद्याचरण शुक्ल, दूसरा अरविंद नेताम, तीसरा रमेश बैस, चौथा विष्णुदेव साय। रमेश बैस और विष्णुदेव साय, विद्याचरण शुक्ल, अरविंद नेताम, रमेश बैस और विष्णुदेव साय। उसके बाद पुरुषोत्तम लाल कौशिक, रमन सिंह और दिलीप सिंह जुदेव। संत गुरु घासीदास किस पंथ का प्रवर्तक था? तो सतनाम के। भरतरी गायक सरोजभाई खांडे है। भरतरी गायक स्वर्गीय सरोजभाई खांडे जो है, स्वर्गीय सरोजभाई खांडे क्या है? भरतरी, चंदौनी गोना, ढोला मारू की प्रसिद्ध गायिका है। तो भरतरी, चंदौनी गोंदा और ढोला मारू की प्रसिद्ध गायिका कौन है? भरतरी, चंदौनी गोंदा, ढोला मारू की प्रसिद्ध गायिका जो है सरोज भाई कांडे है। जबकि तीजन भाई जो कपाली के शैली से है और ऋतु वर्मा वेदमती शैली से। तो ऋतु वर्मा जो है पंडवानी की वेदमती शैली से। ऋतु वर्मा क्या है? पंडवानी की वेदमती शैली से। ऋतु वर्मा क्या है? पंडवानी की वेदमती शैली से। कौन है? तो ऋतु वर्मा पंडवानी की वेदमती शैली से है। आंग्ल शासन द्वारा लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने क्या लिया था कि आंग्ल शासन द्वारा लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने। किसने? राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने क्या लिया था? भाग लिया था। अब इनके बारे में देखते हैं। तो राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने राज्य में पंचायती राज्य की व्यवस्था की लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लंदन में पंचायती राज्य की व्यवस्था की गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रथम ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम ICS परीक्षा किसने उत्तीर्ण की थी? तो ICS परीक्षा किसने उत्तीर्ण की थी? तो राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने क्या की थी? ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी और क्रिकेट के खेल में निपुण थे, सीके नायडू के साथ खेला था। तो क्रिकेट के खेल में निपुण कौन थे? तो राजा रामानुज प्रताप सिंह देव जो क्रिकेट के में निपुण थे, इन्होंने सीके नायडू के साथ खेला था। किसके साथ? सीके नायडू के साथ खेला था। छत्तीसगढ़ के प्रथम ICS उत्तीर्ण करने वाले कौन थे? रामनजू प्रताप सिंह देव थे। कौन? रामनजू प्रताप सिंह देव थे। छत्तीसगढ़ के गांधी किसे कहा जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। किसे? पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। इसमें देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जनगणना तथा सामाजिक क्रांति के दूत कहा जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जन जागरण तथा सामाजिक क्रांति के दूत कोशिक कहा जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जन जागरण तथा सामाजिक क्रांति के दूत का पंडित सुंदरलाल शर्मा कहा जाते हैं। उसके बाद पृथक छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा कौन थे? तो पृथक छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा थे छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते थे। छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते थे। 1926 में सुमित्र मंडल की स्थापना की थी। 1928 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सबसे सुमित्र मंडल की स्थापना की थी। 1928 में छत्तीसगढ़ की प्रथम खंड काव्य दान लीला की रचना की थी। 1928 में छत्तीसगढ़ में प्रथम खंड काव्य दान लीला की रचना की थी। पांडुलिपि का नक्शा बनाया था। तो 1928 में क्या कहा था? पांडुलिपि में नक्शा बनाया था। पांडुलिपि का नक्शा बनाया था तो 1928 में छत्तीसगढ़ का प्रथम बार पांडुलिपि
पांडुलिपि में नक्शा कौन बनाया था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पांडुलिपि में नक्शा बनाया था। उसे उन कंडेल ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1925 में राजीव लोचन मंदिर में अछूतों का प्रवेश कराया था। 1925 में क्या कहा था, राजीव लोचन मंदिर में अछूतों का प्रवेश कराया था। 1925 में राजीव लोचन मंदिर में अछूतों का प्रवेश कराया था। 20 दिसंबर 1920 ईस्वी के इनके आग्रह पर महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ पर प्रथम आगमन किया था। महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ पर प्रथम आगमन किया था। एक बार और देख लेते हैं, 1926 में सवित्र मंडल की स्थापना की थी। 1912 ईस्वी में इन्होंने क्या कहते प्रथम खंड काव्य दानलीला की रचना की थी। 1928 में प्रथम बार पांडुलिपि का नक्शा बनाया था। 1920 में कंडेलनाथ सत्याग्रह। 1925 ईस्वी में क्या कहता था, राजीव लोचन मंदिर के अछूतों का प्रवेश कराया था। 20 दिसंबर 1920 ईस्वी में इनके आग्रह पर महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम आगमन हुआ था। फिर 1922 ईस्वी में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जेल से श्रीकृष्ण जन्म स्थली नामक पत्रिका लिखी थी। क्या लिखी थी, कृष्ण जेल स्थली नामक पत्रिका लिखी थी। तो 1922 ईस्वी में क्या कहता, तो 1922 ईस्वी में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया था, 1922। तो इसका डेट कैसे याद रखेंगे, देखिए दो दो करके इन्होंने क्या किया था, दो दो पुस्तक लिखी थी, समझ जाइए। तो कृष्ण जन्म स्थली क्या है, दो दो पुस्तक लिखी थी, समझिए। ट्रिक याद करने के लिए मैं बता देता हूं आपको, बहुत कंफ्यूज होता है। तो 1902 यानी दो दो कृष्ण जन्म स्थली लिखी थी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साहित्य लेखन हेतु पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्य लेखन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 1922 इसमें छत्तीसगढ़ में प्रथम सिहावा जंगल सत्याग्रह इनकी भूमिका रही थी। 1922 इसमें छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ था, तो सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ था, जंगल सत्याग्रह जो धमतरी में हुआ था। छत्तीसगढ़ में सतनाम पद के गुरु प्रसिद्ध कौन से गिरधारपुरी है, कौन गिरधारपुरी, वामनराव लाखी इस नाम से जाने जाते हैं, तो लोकप्रिय के नाम से उपज जाने जाते हैं। वामनराव लाखी क्या है, लोकप्रिय की उपाधि के नाम से, वामनराव लाखी जो है लोकप्रिय की उपाधि के नाम से जाने जाते हैं, कौन, वामनराव लाखी जो है लोकप्रिय की उपाधि के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें देखते हैं निम्नलिखित में व्यक्तियों में किसका छत्तीसगढ़ को से कोई संबंध नहीं है, तो सुंदरलाल बहुगुणा का छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं है, इसको मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। फिर देखते हैं, चलिए, है ना, छत्तीसगढ़ की विभूति मिनी माता का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो असम में हुआ था। छत्तीसगढ़ की विभूति मिनी माता का जन्म जो है असम में हुआ था। छत्तीसगढ़ की विभूति मिनी माता का जन्म असम में हुआ था। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के नाम से किसे जाना जाता है, तो किस्मत बाई दीवार को छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है, तो किस्मत बाई दीवार को जो है छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कहा जाता है। किस्मत बाई दीवार को क्या है, छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कहा जाता है। दानवी करुणीमल का संबंध किससे, रायगढ़ से। दानवी करुणीमल का संबंध किससे, तो दानवन करुणीमल का संबंध रायगढ़ से। रायगढ़ में संबंध फिल्म अभिनेत्री है, तो रायगढ़ से संबंध फिल्म अभिनेत्री कौन सी है, तो सुलक्षणा पंडित। रायगढ़ से संबंध फिल्म अभिनेत्री कौन सी है, सुलक्षणा पंडित। रायगढ़ घराने से संबंधित है, सुलक्षणा पंडित क्या है, रायगढ़ घराने से संबंधित है सुलक्षणा पंडित। इस राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था, पार्श्व गायिका रायगढ़ में हुआ था, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ निम्न में कौन सा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो देखिए विद्याचरण शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, जबकि मोतीलाल वोरा रहे, श्यामाचरण शुक्ल रहे, नरेंद्र और कौन रहे, राजा नरेश चंद्र पंडित रविशंकर शुक्ल, राजा नरेश चंद्र पंडित रविशंकर शुक्ल रहे, राजा नरेश चंद्र क्या, पंडित रविशंकर शुक्ल रहे हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल रहे हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से रायपुर के नगर माता कहा जाते हैं, तो बिन्नी बाई को रायपुर की नगर माता के नाम से जाना जाता है, बिन्नी बाई को, जबकि राधा बाई को रायपुर के दाई के नाम से जाना जाता है, तो बिन्नी बाई को रायपुर के नगर माता के नाम से जाना जाता है। बिन्नी बाई को क्या है, रायपुर के नगर माता के नाम से जाना जाता है। महर्षि महेश योगी का जन्म स्थान क्या है, पांडुकर रायपुर में। महर्षि महेश योगी का जन्म स्थान पांडुकर रायपुर में है। महाप्रभु वल्लभाचार्य का किसके प्रचार किया था, वैष्णव मंत्र का प्रचार किया था। 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के एक महान संत को थे, 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म 1469 ईस्वी में चंपारण रायपुर में हुआ था। 1479 ईस्वी में क्या हुआ था, महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण रायपुर में हुआ था। वल्लभाचार्य जी वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे, तो वल्लभाचार्य क्या कहते थे, कृष्ण वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे। वल्लभाचार्य क्या थे, तो वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण वल्लभाचार्य जी जो है वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे, कौन है, वल्लभाचार्य। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन, इन्होंने क्या कहता, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है, का प्रतिपादन किया था। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन भी किया था। वैष्णव धर्म वैष्णव संप्रदाय वल्लभाचार्य जो थे वो चंपारण में थे। वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक श्री वल्लभाचार्य कहाँ के थे, तो वो चंपारण के थे, कहाँ के थे, चंपारण के थे। वल्लभाचार्य का कौन सा मार्ग चलाया था, पुष्टि मार्ग चलाया था। मिनी माता का बचपन का नाम मीनाक्षी देवी था, तो मिनी माता का बचपन का नाम क्या था, मीनाक्षी देवी था। मिनी माता जी का जन्म असम में हुआ था, उन्होंने बचपन का नाम क्या था, मीनाक्षी देवी था। वह छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी जो 1952 में रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। तो मिनी माता क्या थी, 1952 ईस्वी में मिनी माता क्या थी, 1952 ईस्वी में रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। 1952 ईस्वी में रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी, तो प्रथम महिला सांसद थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, हसदो बांगो ना भी मिनी माता के नाम से ही रखा गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी महिला उत्थान के लिए मिनी माता पुरस्कार दिया जाता है। महिला उत्थान के लिए क्या है, मिनी माता पुरस्कार दिया जाता है।
मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। इनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सद्भावना के लिए पुरस्कार दिया गया जाता है। यति यतनलाल महासमुंद के विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना यति यतनलाल ने की थी। महासमुंद विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना यति यतनलाल ने की थी। इसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष इनकी स्मृति में अहिंसा एवं अहिंसा के अग्रदूत भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के अहिंसा का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो यति यतनलाल को अहिंसा का अग्रदूत कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में संत घासीदास जिन्होंने मानवता का संदेश दिया का जन्म हुआ था, तो बलौदा बाजार में हुआ था। घासीदास ने जिन्होंने मानवता का जन्म दिया था कहाँ? बलौदा बाजार में हुआ था। 18वीं शताब्दी के संत घासीदास जिन्होंने मानवता का संदेश दिया था उनका जन्म कहाँ हुआ था? बलौदा बाजार में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बलौदा बाजार में हुआ था। 1936-37 में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहे थे। तो ई राघवेंद्र राव जो थे मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहे थे। कौन? ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव 1936-37 में क्या मध्य प्रदेश के गवर्नर नियुक्त किए गए थे। 1940 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले एकमात्र छत्तीसगढ़ के एकमात्र सदस्य थे। कौन थे? एक छत्तीसगढ़ के एकमात्र सदस्य थे। वर्ष 1940 इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के एकमात्र सदस्य कौन थे? ई राघवेंद्र राव थे। कौन थे? वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले एकमात्र सदस्य ई राघवेंद्र राव थे। ई राघवेंद्र राव थे, इन्हें सर्वप्रथम गवर्नर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का खुलने का श्रेय योगानंदम को दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माधवराव सप्रे को दिया जाता है। उन्होंने 1900 ईस्वी में क्या क्या कहा था? छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र मासे माधवराव सप्रे मासे मित्र हैं। संपादक पिंडर रोड गौरेला पिंडर रोड मावी में किया था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस जिले के थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव जिले के थे। कौन जिले के? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो थे राजनांदगांव जिले के थे। इसमें छत्तीसगढ़ मित्र क्या थे? तो माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र, मासे माधवराव सप्रे मासे छत्तीसगढ़ मित्र। अगरतला में जन्मे एक स्वतंत्रता सेनानी और एक बैरिस्टर थे, तो छेदीलाल सिंह। छेदीलाल कौन थे? तो स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर छेदीलाल सिंह का जन्म अगरतला जांजगीर चांपा में हुआ था। फिर छेदीलाल का जन्म क्या हुआ था? करतला जांजगीर चांपा में हुआ था। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी की पुस्तक कर्मवीर का संपादन किया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी की पुस्तक कर्मवीर का संपादन कौन किया था? छेदीलाल ने किया था। कर्मवीर का संसाधन छेदीलाल ने किया था। 1940 में संविधान निर्माता सभा में बिलासपुर के सदस्य थे। तो 1940 में क्या था? 1940 में संविधान निर्माता सभा में बिलासपुर के सदस्य कौन थे? तो छेदीलाल थे। बिलासपुर के सदस्य कौन थे? छेदीलाल थे। और कर्मवीर का संपादन भी छेदीलाल ने किया था। और 1940 में संविधान निर्माता सभा के बिलासपुर के सदस्य भी छेदीलाल थे। स्वतंत्रता सेनानी छेदीलाल बैरिस्टर का कहां हुआ था? तो ग्वालियर में हुए थे। तो कहा हुए थे? तो ये ग्वालियर में होते। स्वतंत्रता सेनानी छेदीलाल पैदा कहा हुए थे? तो ग्वालियर में ये पैदा हुए थे। ग्वालियर में क्या है? ये अगरतला में पैदा हुए थे। सॉरी ग्वालियर बोल रहा हूँ, अगरतला में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? अगरतला में पैदा हुए थे। ये कहाँ पैदा हुए थे? अगरतला में पैदा हुए थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस नाम से जाना जाता है? सहकारिता के जनक के नाम से जाना जाता है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को क्या है? छत्तीसगढ़ के सहकारिता का आंदोलन एवं मजदूर आंदोलन के जनक के रूप में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनकी सहकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने बीएनसी मिल हड़ताल का नेतृत्व किया था। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने खोला था। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के पिता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मजदूर नेता कौन थे? तो इसमें थे शंकर गुआनी योगी। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध सबसे मजदूर नेता कौन थे? तो शंकर गुआनी योगी थे सबसे मजदूर नेता। प्रसिद्ध सबसे मजदूर नेता कौन थे? शंकर गुआनी योगी थे। छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध मजदूर नेता शंकर गुआनी योगी थे। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध सबसे मजदूर नेता कौन थे? शंकर गुआनी योगी थे। निम्नलिखित में कौन सा कथन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में गलत है? तो उन्होंने इस राज्य में प्रथम मजदूर आंदोलन किया था। सही है, सहकारिता के प्रेरणा थे। सही है, उन्होंने राजनांदगांव में पुस्तकालय की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है सरस्वती पुस्तकालय की। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बीएनसी मजदूर आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। पहला सर्वप्रथम 1920 में हुआ था, द्वितीय 1924 में हुआ था, तिथि 1937 में हुआ था। तिथि क्या हुआ था? 1937 में हुआ था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो विधान प्रतिपक्ष के नेता नंद कुमार साय थे। यही पहले प्रतिपक्ष के नेता पूछा जाएगा, प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो नंद कुमार साय पहले प्रतिपक्ष के नेता थे। उसके बाद महेंद्र कर्मा बने थे। नंद कुमार के बाद महेंद्र कर्मा बने। महेंद्र कर्मा के बाद नंद कुमार बने। महेंद्र कर्मा के बाद रविंद्र चौबे बने थे। रविंद्र चौबे के बाद टी एस सिंहदेव, और टी एस सिंहदेव के बाद अभी वर्तमान में धरमलाल कौशिक के भाजपा के। वर्तमान में कौन है? धरमलाल कौशिक भाजपा के हैं। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो स्वामी आत्मानंद थे। कौन? स्वामी आत्मानंद थे। इन्होंने 1985 में क्या किया था? आश्रम की स्थापना की थी। स्वामी आत्मानंद ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 1985 में आश्रम की स्थापना की थी। 1985 में आश्रम की स्थापना की थी। टाइगर किट के नाम से कौन है? चंदेरू नारायणपुर का संबंधित था। सदाशिव गोविंद कंत्रे के क्षेत्र के कार्य थे, तो ये कुष्ठमुन निवारण के लिए थे। माधव सदाशिव गोलकर गुरुजी का संबंध किस स्थान से था? माधव सदाशिव गोलकर गुरुजी का संबंध जो है सरायपाली से था। किससे था? सरायपाली से था। गोलकर गुरुजी का संबंध किससे था? तो सरायपाली से था।
1857 ईस्वी के वीर नारायण सिंह का किस जन्म कब हुआ था? 1795 ईस्वी में हुआ था। तो वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था। पुनाराम निषाद का संबंध संगीत से, पुनाराम निषाद जो पांडवानी शैली की वेदमती शैली से संबंधित है, लोक गायक लोक गायक है एवं संगीत कला से संबंधित है। पुनाराम निषाद वेदमती शैली से है। राजमोहिनी देवी समाज क्षेत्र से संबंधित है, समाज सेवा से। और उसके बाद घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध जो है वह आर्य समाज से था। घनश्याम सिंह गुप्त जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्वतंत्रता का नेतृत्व किया था। 1937 ईस्वी में मध्य प्रांत विधानसभा के पर नियुक्त किए गए थे। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए घनश्याम सिंह गुप्त कहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष पद नियुक्त किए गए थे और आर्य समाज से भी जुड़े थे। इन्हें छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष भी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष किसे कहा जाता है? तो घनश्याम सिंह गुप्त को छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा जाता है। घनश्याम सिंह गुप्त को छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि रामायण सार के लेखक कौन थे? तो रामायण सार के लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? गंगाधर मिश्र थे। कौन थे? गंगाधर मिश्र थे। कबीर वंश के संस्थापक चूनामणि साहब थे। छत्तीसगढ़ में कबीर वंश के संस्थापक चूनामणि साहब थे। बस्तर बैंड के संयोजक कौन थे? अनूप रंजन थे। अनूप रंजन क्या थे? बस्तर बैंड के संयोजक अनूप रंजन थे। और राधाबाई किससे संबंधित थे? तो राधाबाई क्या था? महिला उत्थान था, स्पृश्यता निवारण था, गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया था। ये तीनों से संबंधित थे। शहीद वीरनारायण सिंह किस जनजाति के थे? बिंजवार जनजाति के थे। इनका जन्म 1795 ईस्वी में सोनाखान नामक बिंजवार जनजाति में होता। इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम रामसाहेब बिंझवार था। इनके पिता का नाम क्या था? रामसाहेब बिंझवार था और छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे। रामसाहेब बिंझवार था, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे।